चलो बच्चों अब क्लास को स्टार्ट करते हैं तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि पढ़ाते समय हम लोगों को क्या क्या बातें करनी है कैसे करनी है तो वही बात आज भी हम लोग करेंगे और उसी तरह से करेंगे मैंने कहा था कि जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी लेक्चर नंबर टू स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको हम क्लास टेस्ट कहते हैं क्लास टेस्ट में हम क्या देते हैं क्यूएचडी देते हैं दो क्वेश्चन ओनली टू क्वेश्चन और ये आपको तुरंत के तुरंत करने होते हैं इसके बाद पढ़ाई करते हैं और ये क्वेश्चन कहां से होंगे लास्ट लेक्चर से रिलेटेड होंगे जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ाया है हां बेटा सी एक अलग कॉपी पे लिखना है या उसी कॉपी पे लिख लो एक जगह पे या फिर बॉक्स बना के लिखते जाओ उसी कॉपी पे बॉक्स बना के लिखते जाओ और जब रिवीजन की बारी आए तो उसी को रिवाइज करिएगा जब रिवीजन की बारी आए तो उसी को रिवाइज करिएगा क्लियर है ये बात सब लोग तैयार हो टेस्ट के लिए क्यूएसडी के लिए हाँ एक बच्चा पूछा सर आप कहां से हो बेटा मैं यूपी में पाया जाता हूं यूपी के कानपुर जिले में रहता था है ना रहता हूं भी कानपुर जानते हो ना वही पे ठीक है चलो अब पर्सनल बातें कर लेंगे किसी दिन अभी पढ़ाई पे आ जाओ अभी पढ़ाई पे आ जाओ हाँ? कल का डाउट किसी को है चलो अच्छा पहले टेस्ट ले लेते हैं फिर कल के डाउट पे आते हैं तैयार हो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्यूएचडी नंबर वन क्यू नंबर वन मैं आपको क्वीज स्टार्ट करता हूं क्विज के फॉर्म में क्विज के फॉर्म में स्टार्ट करता हूं इसको आपको करना है सब लोग आंसर बताएं सब लोग फिर मैं मार्क्स बताऊंगा किसके कितने आए हैं दो में से किसने किसने कितने सही किए सारे बच्चे आंसर बताए ऑप्शन आ गए आपके पास ऑप्शन आप आ गए ऑप्शन आ गए बताइए यस मैं अपना आंसर चेंज कर सकता हूं क्या क्योंकि मैंने आंसर गलत लगाया है इसमें शायद मैं अपना आंसर नहीं चेंज कर सकता ओके यस यस हा बच्चो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमसे पूछा जा रहा है नॉन मैटर सेलेक्ट करो जो आपके सामने आंसर लिख के आ रहा है वो ध्यान रखना गलत आ रहा है मैंने क्वेश्चन देखा नहीं बनाया मैंने ही सुबह सुबह क्वेश्चन मैंने ही बनाया है बस मैंने ध्यान नहीं दिया तो देखो जरा वो नॉन मैटर कह रहा है एयर एयर में क्या होता है मास होता है और साथ साथ में वैल्यूम भी अकुपाई करता है तो ये क्या है मैटर जिसके पास मास होगा जो वैल्यूम अकुपाई करेगा वो क्या होगा मैटर तो एयर तो मैटर है मगर हेट अब कोई मेरे से कितनी ज्यादा घृणा करता है हेट करता है ये क्या वजन होता है इसमें वजन होता है ओ मैं भाई तुमसे ना तीन किलो हेट करता हूं ओ मैं तुमसे दस किलो हेट करता हूं उसमें क्या वजन होता है क्या वो स्पेस लेता है यार मैं तुम्हें कमरे के बराबर हेट करता हूं जितना कमरे में हेट आएगा उतना हेट करता हूं तो ये तो क्या है नॉन मैटर अच्छा अब इधर आ जाओ स्पीड स्पीड भी क्या है नॉन मैटर क्या कभी तुमने कहा कि मेरी बाइक तीन किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है मगर क्या तुमने कहा यार इस स्पीड में दो किलो का वजन है ये स्पीड जो है ये स्पीड जो है पूरे कमरे के बराबर है पूरे बॉक्स के बराबर है ऐसा कुछ कहा गया नहीं तो ये भी क्या है नॉन मैटर तो आंसर क्या होगा डी आंसर क्या होगा डी अब क्वेश्चन नंबर टू के लिए तैयार हो जाओ क्वेश्चन नंबर टू क्यूएचडी नंबर टू क्यूएचडी नंबर टू का आंसर बताओ सेलेक्ट द टर्म विच इज एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट एलिमेंट का एग्जाम्पल कौन है एलिमेंट का एग्जाम्पल कौन है इसका भी मैं क्यूज बना देता हूं इसका भी मैं क्यूज बना देता हूं आप उससे आंसर दे टिक, 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 हां मैं भी तो आंसर चेक कर लू ना यार बताइए जल्दी से जल्दी से आंसर दीजिए और सारे बच्चे सही दीजिए गड़बड़ मत दीजिए जो में आंसर मत दीजिए सही आंसर दीजिए सही आंसर दीजिए जो में आंसर मत दीजिए यस यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही बहुत सही अब देखो लीडर बोर्ड दिखाते हैं यस yes. लीडर बोर्ड लीडर बोर्ड में रिजल्ट आएगा आपके पास देखो लीडर बोर्ड आ रहा है दो में से दो सही किए हैं हाँ ना बहुत सारे बच्चों ने दो में से दो क्वेश्चन सही किए वेरी गुड बहुत सारे बच्चों ने दो में से दो सही किए बहुत सही माही अंकित अरमन बहुत सही बहुत सही अब देखो यार इसका आंसर क्या आएगा आप सभी बच्चे जानते हैं एयर क्या है मिक्सचर जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड होते हैं जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड होते हैं उसको मिक्सचर कहते हैं और एयर में एक से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड है वाटर क्या है वाटर कंपाउंड है क्यों वाटर में एक ही तरह के मालिक्यूल का कलेक्शन है एक ही तरह के मालिक्यूल का कलेक्शन है मगर वो मालिक्यूल डिफरेंट आइटम से बना है इसलिए कंपाउंड है इसलिए वो कंपाउंड है है ना अब ये क्या है ऑक्सीजन गैस ये क्या है ये एलिमेंट है एक ही तरह के मालिक्यूल का कलेक्शन हो और वो मालिक्यूल सेम एटम से मिलके फॉर्म हो एक ही तरह के मालिक्यूल का कलेक्शन हो और वो मालिक्यूल सेम एटम से मिलके फॉर्म हो हाँ बेटा सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत दिखा रहा है पोल में हां बेटा वो मैंने गलत टिक कर दिया है इसलिए गलत दिखा रहा है वो मैंने गलत टिक कर दिया था इसलिए पोल में गलत दिखा रहा है ना तुम्हारा आंसर सही है फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर है अब बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके दो में से दो सही हैं। लीडर बोर्ड में तो मैंने दिखा दिया है लीडर बोर्ड में तो मैंने सबको दिखा दिया है दो में से दो कितने लोग सही दो में से दो सही यस वेरी गुड वेल गुड यस 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 गुड 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 बॉस सही बेटे यस 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 गुड गुड तो चलो बच्चों अब मैं कल की क्लास को हल्का सा रिवीजन देता हूं और फिर नया सेशन स्टार्ट करता हूं कल की क्लास को हल्का सा रिवीजन देता हूं और फिर नया सेशन स्टार्ट करता हूं फिर नया सेशन स्टार्ट करता हूं देखो कल जो मैंने पढ़ाया था उस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं सबसे पहले मैंने बताया कि मैटर क्या होता है देखो कल मैंने आपको क्या बताया कल सबसे पहले बताया मैटर क्या होता है ऐसा कुछ भी अच्छा एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो बच्चे नए हैं क्योंकि लगातार बैच में नए बच्चे ऐड होते रहेंगे तो जो बच्चे नए आए हैं जिन्होंने पहली क्लास नहीं की है तो वो पहले पहली क्लास करें फिर दूसरी क्लास में आए कोई भी बच्चा डायरेक्ट स्किप मत करें कि उसने आज ज्वाइन किया या कल ज्वाइन किया है तो आज से देखना चालू कर दे वो बात अलग है कि अभी बेसिक चल रहा है मगर मेरी रिक्वेस्ट है ठीक है और साथ साथ में हिदायत है कि हमेशा चैप्टर को शुरुआत वाली क्लास से स्टार्ट करो तो जो बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं तो वो पहले कल वाली क्लास देखें लेक्चर वन देखें देन लेक्चर टू देखें देन लेक्चर टू देखो ठीक है साक्षी चौधरी कह रहा है नोट्स कहां मिलते हैं बेटा साक्षी नोट्स नोट्स वाले ऑप्शन में मिलते हैं जब आप ऐप के अंदर जाओगे तो वहीं पे ऑप्शन बनाए क्लास नोट्स डीपीपी उसी में देखो मिल जाएंगे ठीक है अच्छा अब गौर समझो मैं रिवीजन देता हूं फिर क्लास को स्टार्ट करता हूं ठीक है अब देखो मिक्सचर क्या होता है मेरे साथ साथ, साथ सब लोग रिवाइज करो आपके पास मैंने सीएसडी दिया है तो सीएसडी में सिंपल डिफिनेशन सारी लिखी है आप भी बैठ के देखो मिक्सर क्या होता है जिसके पास मास है और स्पेस अकुपाई करता है वो मिक्सर होता है सॉरी मैटर क्या होता है मैटर क्या होता है जिसके पास मास है और स्पेस अकुपाई करता है वो मैटर है और जिसके पास मास नहीं है स्पेस अकुपाई नहीं करता है वो नॉन मैटर है ठीक अच्छा अब मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर प्योर सब्सटेंस क्या है एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन के मैटर को प्योर सब्सटेंस कहते हैं एक ही टाइप के 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 कलेक्शन मैटर को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे वाटर सिर्फ पानी के मालिक्यूल का कलेक्शन है एच टू एच टू एच टू एच टू एच टू एस टू ओ मिलकर पूरी पानी की बोतल बन गई तो ये एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन का मैटर है उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे मिक्सचर क्या होता है डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल या एटम का कलेक्शन डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल या एटम के कलेक्शन को मिक्सचर कहते हैं जैसे एयर एयर में ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है यदि मैं एक लीटर एयर लेके बैठा हूं तो एक लीटर एयर में ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है सल्फर डाइऑक्साइड भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है वाटर वेपर भी है तो कई टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो वो क्या हुआ मिक्सचर वो क्या हुआ मिक्सचर जैसे गौर सुनो मैगी अब मैगी क्या है मैगी में मास होता है मैगी में स्पेस होता है तो मैटर तो है मगर मैगी क्या है मिक्सचर क्यों उसमें मैदा भी है उसमें पानी भी है उसमें मसाला भी है कई चीजें है ना मिक्सचर कई चीजें मिक्सचर चाय घर में चाय पीते हो तो चाय में क्या है दूध भी पड़ा हुआ है पानी भी पड़ा हुआ है चाय पत्ती भी पड़ी हुई है शक्कर भी पड़ी हुई है अदरक भी पड़ी हुई है तो ये क्या है मिक्सचर एक ही टाइप के मालिक्यूल से बना हुआ मैटर प्योर सब्सटेंस है डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल से बना हुआ मैटर मिक्सचर है क्लियर ये मैंने पढ़ा दिया था प्योर सब्सटेंस फिर एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड हो जाता है यदि एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन का मालिक्यूल फिर समझो एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन का मालिक्यूल सेम एटम से फॉर्म है तो एलिमेंट और डिफरेंट एटम से फॉर्म है तो कंपाउंड जैसे वाटर वाटर एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है इसलिए प्योर सब्सटेंस है। मगर उस कलेक्शन का जो मालिक्यूल है वो कौन है वाटर वो कौन है वाटर इसी को कहते हैं क्या इंटिटीज अब वाटर जो है वो जरा बताओ किससे बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तो दो डिफरेंट टाइप के एटम से बना है ना तो कंपाउंड एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं मगर यदि वो मालिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड सेम एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन गैस अब सपोज करो पूरे कमरे में हाइड्रोजन गैस फिल है तो हाइड्रोजन गैस एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है तो ये प्योर सब्सटेंस है अब प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरी है एलिमेंट और कंपाउंड तो वो एलिमेंट है या कंपाउंड तो हाइड्रोजन गैस किससे मिलकर बनी है सेम एटम से मिलकर बनी है तो एलिमेंट है हाइड्रोजन गैस किससे मिलकर बनी है सेम आइटम से मिलकर बनी है तो एलिमेंट सर स्टूडेंट मैसेज सर की माइक का वैल्यूम लो है बेटा मेरा वैल्यूम फास्ट बिल्कुल है अच्छा है अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग लैक है लैक है लैक है ऑल क्लियर हाँ यदि आपने न्यूट्रॉन बैच में या किसी बैच में नोट्स बना रखे मेरे तो उसी में बेटा अपडेट कर लो अलग से करने की जरूरत नहीं है उसी में अपडेट कर लो आप है ना उसी में अपडेट कर लो उसी में अपडेट कर लो अब सही है ऑडियो तो देखो यहां तक की बातें मैंने पढ़ा दी थी अब मुझे पढ़ाना था मिक्सर का क्लासिफिकेशन कि मिक्सर का क्लासिफिकेशन क्या है मिक्सर का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया था यहां सब तब ठीक है यहां तक सारी बातें सही है कोई दिक्कत तो नहीं है कल मैंने यहां तक बताया था कल मैंने यहां तक बताया था कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई दिक्कत हो जल्दी से बताए जल्दी से बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई दिक्कत हो वाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड ब्लूटूथ कनेक्ट अरे ये सब ठीक है अच्छा मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस बता देता हूं है ना बच्चे पूछ रहे हां देखो बच्चों मिक्सचर और कंपाउंड में बच्चा डिफरेंस पूछ रहा है तो जरा बताओ सबसे पहले मेरे को बताना मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है ये क्या है प्योर सब्सटेंस ये क्या होता है एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन वन ये क्या होता है ये होता है कलेक्शन ऑफ वन टाइप मालिक्यूल एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं और ये क्या है प्योर सब्सटेंस के अंदर है देखो ये प्योर सब्सटेंस के अंदर है इसका मतलब ये एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन होगा ये एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन होगा बस वो मालिक्यूल जो है वो डिफरेंट एटम से फॉर्म होगा बस वो जो मालिक्यूल है वो डिफरेंट आइटम से फॉर्म होगा तो कंपाउंड क्या होता है एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को कंपाउंड बोलते हैं और वो मॉलिक्यूल डिफरेंट आइटम से फॉर्म हो जैसे पानी पानी क्या है वाटर 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 मिलकर पानी बन गया अब जो उस कलेक्शन का मॉलिक्यूल है वो कौन है वाटर H2O और वो देखो दो डिफरेंट आइटम से मिलके बना है तो कंपाउंड है अब मिक्सचर समझो मिक्सचर जो होता है वो डिफरेंट मालिक्यूल का कलेक्शन है वो क्या है डिफरेंट मालिक्यूल का कलेक्शन है इसमें एक ही टाइप के मालिक्यूल नहीं होंगे वो डिफरेंट मालिक्यूल का कलेक्शन है जैसे एयर अब एयर में एक ही टाइप के मालिक्यूल है नहीं नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है ईटीसी जैसे आपकी चाय चाय क्या एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है नहीं वाटर है मिल्क है, ठीक है चाय पत्ती है सो so ऑन और देख लो इसके बाद है sugar है, है, ना? वाटर तो ये क्या है मिक्सचर तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस समझे मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है मिक्सचर जो होता है वो डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन होता है कंपाउंड जो होता है वो एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन होता है मगर वो मालिक्यूल मगर वो मालिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है और यदि वो एक ही टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन सेम आइटम से मिलकर है तो फिर वो एलिमेंट है और ध्यान रखना ये प्योर सब्सटेंस के अंदर है इसका मतलब दोनों एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन होंगे क्लियर है ये बात मैंने देखी डाउट में दो तीन लोग पूछ रहे हैं हां नोट्स वसीम हुसैन बेटा सिर्फ सीएसडी के नोट्स बनाने हैं नोट्स पूरे लिखो मगर रिवाइज सीएसडी किया करो अच्छे से ठीक है अब आ जाओ अब मैं आगे आज आज की क्लास अब स्टार्ट कर रहा हूं अब मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं देखो अब आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं सारे बच्चे ध्यान दें तो बेटा देखो मिक्सचर मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो सबसे पहले मिक्सचर की डिफिनी क्या थी मिक्सचर की डिफिनीशन थी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मालिक्यूल्स और एटम एक से ज्यादा टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन वाले मैटर को मिक्सचर कहते हैं एक से ज्यादा टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन वाले मिक्सचर को मैटर कहते हैं यह बात क्लियर है सबको यह क्लियर है अच्छा अब देखो मिक्सचर दो तरह का होता है एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या यह बात क्लियर है सबको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है देखो दोनों में क्या फर्क है होमोजीनियस जो होता है वो क्या होता है देखो सबसे पहली बात ये मिक्सचर के अंदर है तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन होंगे ये मिक्सचर के अंदर है तो डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन होंगे ये इसके अंदर है तो डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन होंगे पहली बात तो ये समझ लो दूसरी बात ये क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब एक जैसा दिखाई देता है इन होल मिक्सचर पूरे मिक्सचर में ये एक जैसा दिखाई देगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये दो तीन चार टाइप के मिक्सचर का कलेक्शन है ये क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये देखो एक जैसा दिखेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब एक जैसा दिखेगा कौन होमोजीनियस जैसे जैसे आप पानी में नमक घोल दो किसी को दिक्कत हो रही है समझने में तो वो घर में घर ही बैठे हो आप जाओ किचन में एक गिलास पानी ले लो उसमें एक चम्मच नमक डाल दो और हिला दो आपको एक जैसा पानी दिखेगा आप घर में जाओ एक ग्लास पानी लो एक चीनी एक चम्मच चीनी मिला दो और घुमा दो एक जैसा दिखेगा एक जैसा दिखेगा है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या है होमोजीनियस सोल्यूशन है अब हेट्रोजीनियस क्या होता है हेट्रोजीनियस क्या होता है जरा समझो देखो ये भी डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन होगा क्यों क्योंकि मिक्सचर है ना तो ये भी क्या होगा डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन होगा क्यों क्योंकि मिक्सचर है पहली बात तो समझ गए कि ये जो कलेक्शन होगा ये डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल का होगा क्योंकि मिक्सचर के अंदर है अब ये देखो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है हेटरोजेनियस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है मतलब एक जैसा नहीं दिखता है नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल सल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा जैसे ऑयल प्लस वाटर आप घर में बैठे हो आप आधा ग्लास पानी लो और उसमें आधा ग्लास ऑयल डाल दो वो दोनों अलग अलग होंगे आप आधा ग्लास पानी लो उसमें आधा ग्लास ऑयल डाल दो मस्टर्ड ऑयल डाल दो अरे सरसों का तेल किसी भी तरह का ऑयल डाल दो मान लो आप तेल नहीं मिल रहा है तो आधा गिलास पानी लो उसमें पेट्रोल मिला दो तो पेट्रोल अलग दिखेगा पानी अलग दिखेगा लेयर डिफरेंस होगा कुछ ना मिले तुम्हें कुछ ना दिखे तो आधा ग्लास पानी लो मिट्टी डाल दो और मिट्टी डाल के खूब हिला दो, दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी पानी ऊपर आएगा तो आपको साफ दिखेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो गौर से देखो मिक्सचर है तो मिक्सचर है ना तो इसका मतलब एक से ज्यादा टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन होगा ये दोनों मिक्सचर के अंदर है तो इसका मतलब एक से ज्यादा एक से ज्यादा टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन ये भी है एक से ज्यादा टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन ये भी है क्यों क्योंकि मिक्सचर के अंदर है यदि एक से ज्यादा टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है और एक जैसा दिख रहा है तो होमोजीनियस एक से ज्यादा टाइप के मालिक्यूल का कलेक्शन है मगर एक जैसा नहीं दिख रहा है तो हेट्रोजीनियस पेंट पेंट प्लस वाटर कैसा होगा तो भाई पेंट प्लस वाटर भी हेट्रोजीनियस होगा पानी में पेंट को डालो होमोजीनियस नहीं बनता है पानी में पेंट को डालो तो होमोजीनियस नहीं बनता है पेंट को जब आप तारपीन के तेल में डालते हो तब वो होमोजीनियस जैसा बनता है तो गौर से समझो इतनी बात समझ गए सब लोग यस या नो पहले बताओ डिफिनेशन समझ गए यस या ये नो यस या ये नो सारे बच्चे बताएं मैं यस या ये नो का ऑप्शन देता हूं आपको सारे बच्चे बताइए यस या ये नो समझ गए आप लोग यस सारे बच्चे इस बात को समझ गए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही जो बच्चे नहीं समझे वो पूछे क्या दिक्कत है जो बच्चे नहीं समझे वो पूछे क्या दिक्कत है वो जल्दी से पूछे क्या दिक्कत है वो जल्दी से पूछे क्या दिक्कत है हाँ जल्दी से पूछो बच्चों क्या दिक्कत है हाँ तो जरा देखो बच्चो आपको यह बात समझ में आई अब देखो मैं पूरा का पूरा हां मिल्क प्लस वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है मिल्क प्लस वाटर हेट्रोजीनियस है हाँ, अब अब जरा देखो बच्चों मैं आपको पूरी समरी एक साथ देता हूं गॉड समझिएगा फिर एग्जाम्पल देंगे मैटर मैटर दो पार्ट में डिवाइड हुआ एक है मिक्सचर और एक है प्योर सब ठीक जिसके पास मास है वैल्यूम है मिक्सचर है ठीक है यदि वो एक से ज्यादा टाइप के मालिक्यूल का मैटर है तो मिक्सचर बोला जाएगा यदि वो एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन का मिक्सचर है सॉरी एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन का मैटर है तो प्योर सब बोला जाएगा और यदि वो एक ही टाइप के मालिक्यूल का जो कलेक्शन है उसका जो मालिक्यूल है वो सेम एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट बोला जाएगा और यदि वो डिफरेंट आइटम से मिलके बना है तो कंपाउंड बोला जाएगा ठीक फिर आ जाओ अलग अलग टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन वाले मैटर को मिक्सचर बोलते हैं अलग अलग टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन वाले मैटर को मिक्सचर बोलते हैं ठीक यदि वो दिखने में एक जैसा है यूनिफॉर्मली है यदि वो दिखने में यूनिफॉर्मली है तो होमोजीनियस बोलते हैं यदि वो दिखने में यूनिफॉर्मली नहीं है तो हेट्रोजीनियस बोलते हैं इतनी बात हम लोगों ने पढ़ी है क्लियर है सबको बेंजीन इन वाटर कैसा है देखो बेंजीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा एक जैसा नहीं दिखेगा क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है है ना बेंजीन कैसा है नॉन पोलर वाटर कैसा है पोलर तो वो एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होंगे C6H6 होता है बेंजीन और वाटर H2O पोलर होता है तो वो एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होंगे तो वो हेट्रोजीनियस जैसे होंगे वो हेट्रोजीनियस जैसा होगा अब बात आती है एग्जाम्पल की अब तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं एग्जाम्पल करूं तो चलो सारे बच्चे इसको बताए सारे बच्चे मुझे बताएंगे यस या नो में मैंने लिखा पेट्रोल प्लस वाटर बताओ बच्चों किसका एग्जाम्पल है होमो का होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर आंसर दो होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर आंसर दो आंसर दो सारे बच्चे ए या बी ए या बी हेट्रोजीनियस हैोजीनियस बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हेट्रोजीनियस अच्छा अब ये बताओ ये बताओ इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर बताओ होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस बताओ अब इथाइल एल्कोहल को पानी में डालो तो होमोजीनियस बनता है आपने देखा होगा कि यदि पानी में आप शराब को डाल दो वाइन और उसको हिला दो तो फिर वो एक जैसा रहता है ऐसा नहीं होता है कि जो वाइन है वो ऊपर रहती है पानी नीचे रहता है या वाइन नीचे रहती है पानी ऊपर रहता है वो पूरा एक जैसा रहता है पानी का कलर व्हाइट है या कलरलेस है उसमें जब वाइन डाल दोगे तो कलर आ जाता है किसी ना किसी तरह का हो सकता है ना भी आए मगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमेशा एक जैसा रहता है ऐसा नहीं रहता है कि अलग अलग हो जाता है ये देखो तो वो कैसा है होमोजीनियस है होमोजीनियस है वो कैसा है होमोजीनियस है वो कैसा होगा होमोजीनियस होगा क्लियर क्लियर यस क्लियर बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आपका मन कर रहा है एक मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे तो ये देखो मिक्सअप क्वेश्चन आपके हाथ में इसको करो ये देखो क्वेश्चन आपके हाथ में है। इसको करो अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है वाटर और मिल्क हेट्रोजीनियस कैसे है बिल्कुल बताते हैं बेटा पहले आप इसको कर लो इस क्वेश्चन को करो फिर वाटर और मिल्क वाला एग्जाम्पल देते हैं इसको करो आपको मैचिंग करनी है आपके पास क्या है एलिमेंट है कंपाउंड है मिक्सचर है तो जो सबसे इजी लगे देखो दो तरीके होते हैं एक होता है सब्जेक्ट आना और सब्जेक्ट आने के साथ साथ क्वेश्चन करना तो क्वेश्चन करते समय यह देखा करो कि इजीली हम किसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे देखो मिक्सचर है मिक्सचर है अब मिक्सचर क्या है एक से ज्यादा मालिक्यूल का कलेक्शन है अब एक से ज्यादा मालिक्यूल एयर में है एक से ज्यादा मालिक्यूल एयर में होते हैं एक से ज्यादा मालिक्यूल सुगर सोल्यूशन में होंगे सुगर सोलूशन क्या है सुगर प्लस वाटर पानी में एक ही टाइप का मालिक्यूल है ऑक्सीजन में एक ही टाइप का मालिक्यूल है इसका मतलब यह पहचानना सबसे ईजी है तो तुम ये देख लो सी में पी और क्यू आंसर कहां है सी में पी और क्यू यहां है यहां नहीं है यहां है यहां, है, यहां नहीं है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है इसका मतलब या तो आंसर ए है या बी है अब इसके बाद चेक करो एलिमेंट क्या होता है एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं और यदि वो कलेक्शन का जो मालिक्यूल है वो सेम एटम से मिलके बना है तो एलिमेंट एक ही टाइप के मालिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं यदि वो मालिक्यूल सेम एटम से बना है तो एलिमेंट और डिफरेंट एटम से बना है तो कंपाउंड तो ए का क्या है एस और बी का क्या है आर ये देखो ए का क्या है एस बी का क्या है आर क्या मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है क्या सारे बच्चों को एक बात समझ में आ रही है यस yes. अब देखो यहां पर एक एग्जांपल ये है मिल्क तो देखो मिल्क और वाटर पहली बात मिक्सचर है दूसरी बात ये हेट्रोजीनियस है अब हेट्रोजीनियस क्यों है उसका रीजन है कि ये नेकेड आइट से दिखाई नहीं देता है मगर रियलिटी में ये दो डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन है नेकेड आइट से सर आप स्लो पढ़ा रहे हो बिल्कुल बेटा स्लो पढ़ा रहा हो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा है ना नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद या दस बारह दिन बाद आप कहोगे बहुत तेज पढ़ा रहे है ना तो इस पहले बेस बन जाए फिर स्पीड बढ़ा लेंगे देखो मिल्क जो होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है और कोलाइडल सोलूशन हेट्रोजीनियस होते हैं आपके चाहे आपके फ्लेवर से सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया गया है सरफेस केमिस्ट्री में यह है कि मिल्क जो होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है और जितने भी कोलाइडल सोल्यूशन है वो सब के सब हेट्रोजीनियस होते हैं क्यों क्योंकि जब उनको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो अलग अलग दिखाई देते हैं नेकेड आइस से नहीं देख पाते हम लोग मगर माइक्रोस्कोप से देखने पर वो अलग अलग दिखाई देते है ना तो ध्यान रखिएगा मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है और कोलाइडल सोल्यूशन जितने भी होते हैं सबके सब, सब हेट्रोजीनियस होते हैं इसीलिए अकेला मिल्क भी हेट्रोजीनियस है और साथ साथ में मिल्क प्लस वाटर भी हेट्रोजीनियस है ठीक है अकेला मिल्क भी हेट्रोजीनियस है मिल्क प्लस वाटर भी हेट्रोजीनियस है मिल्क प्लस वाटर भी हेट्रोजीनियस है चलो अब आते हैं नई हेडिंग पे नई हेडिंग ये देखो क्या लिखा है ये क्या लिखा है पढ़ो इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट किसी भी चीज पर फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी चीज पर फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी चीज होगी उस पर फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट आएगा तो सबसे पहले आप बताओ फिजिकल स्टेट कितनी होती है सारे बच्चे कमेंट में यह बताएं फिजिकल स्टेट कितनी है जर्नल फिजिकल स्टेट तो जर्नली कितनी है मेनली कितनी है तीन कौन कौन सी है तो कौन कौन सी है पहली है गैस फेज दूसरी है लिक्विड फेज तीसरी है सॉलिड फेज यहां पर हमको प्लाज्मा फेज नहीं पढ़ना है कि प्लाज्मा फेज पढ़ना है या कोई और फेज पढ़ना है हमें सिर्फ लिक्विड सॉलिड और गैस के बारे में पढ़ना है तो से देखिए जनरली जो हमें पढ़नी है वो तीन है हमें जो पढ़नी है वो कौन सी है तीन है एक है लिक्विड एक है सॉलिड और एक है हमारा गैस अब क्या है कि ये तीनों फेज अलग अलग टाइप के होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो फेज चेंज करने पर चेंज होंगी और कौन सी प्रॉपर्टी है जो फेस कर, चेंज करने पर चेंज नहीं होंगी ये पढ़ना है क्लियर है इतनी बात क्लियर है सबको इतनी बात हेट्रोजीनियस है बेटा कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक हेट्रोजीनियस है अच्छा अब गौर से मेरी बात को सुनो सब लोग इधर आओ मेन टॉपिक पे आओ जो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जरा देखो मैंने क्या कहा तीन तरह की हमारे पास फिजिकल स्टेट है कौन कौन सी गैस लिक्विड और सॉलिड गैस लिक्विड और सॉलिड अब गैस लिक्विड और सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस है कौन सी प्रॉपर्टी जब फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो चेंज होगी कौन सी प्रॉपर्टी जब फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा तो चेंज नहीं होगी अब एक एक करके ये डिस्कस करना है तो देखो बच्चों पहली प्रॉपर्टी है मास ऑफ सब्सटेंस मास ऑफ सब्सटेंस फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है कि नहीं अब गौर से मेरी बात को समझिएगा यदि मैं दो ग्राम गौर से देखिएगा दो ग्राम पानी लिए हो दो ग्राम पानी है तो वो लिक्विड स्टेट है अब उस दो ग्राम पानी को मैं वेपराइज करा दू तो उसका मास दो से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा बताओ उसका मास दो से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो मास के बारे में डाल्टन ने बताया था नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ मास टू अदर फॉर्म ऑफ मास ऑफ एक्शन लॉ ऑफ एक्शन क्या कहता है एक टाइप के मास को किसी दूसरे टाइप के मास में कन्वर्ट कर सकते हो मगर मास को ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ मास फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। यदि दो ग्राम लिक्विड वाटर है और उसकी मैं वेपर बना दू तो भी वो दो ही ग्राम रहेगा और उसको मैं जमा दू तो भी वो दो ही ग्राम रहेगा तो जो मास होता है तो हमारा पॉइंट क्या है हमारा पॉइंट क्या है बच्चों मास ऑफ सबस्टाम्स डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट इसका मतलब किसी क्वेश्चन में यदि हम किसी चीज को लिक्विड से सॉलिड ले जाएं सॉलिड से गैस ले जाएं या गैस से लिक्विड में आए तो उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब तुम कह रहे हो कि उस सबस्टांस का गैस फेज में जो मास होगा वही उस का लिक्विड फेज में मास होगा वही उस सबस्टांस का सॉलिड फेज में मास होगा क्यों क्योंकि मास का फिजिकल स्टेट से कोई इफेक्ट नहीं है क्लियर है ये बात क्या ये बात क्लियर है सबको क्या ये बात बच्चों क्लियर है बताइए कि मास का फिजिकल स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं है मतलब यदि मैं दो ग्राम गैस को लिक्विड करूंगा तो उसका मास दो ही ग्राम रहेगा दो ग्राम लिक्विड को सॉलिड करूंगा तो उसका मास दो ही ग्राम रहेगा इसका मतलब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि भाई दो ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अब मैं इसको क्या कर रहा हूं कंडेंस कर रहा हूं कंडेंस करने के बाद अब इसका मास बताओ मास ऑफ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड ए दो ग्राम बी ग्रेटर देन दो ग्राम सी देन दो ग्राम डी कैन नॉट से हम कुछ कह ही नहीं सकते हमें नॉलेज कम है कैन नॉट से हम लोग कुछ नहीं कह सकते बताओ क्या होना चाहिए दो ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी मैंने उसको क्या किया मैंने उसको क्या किया लिक्विड बना दिया तो बताओ आपके हिसाब से अब उसका मास कितना हो जाएगा बताओ यस 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 बहुत सही बहुत सही बेटा राजपूत बिल्कुल सही अब्दुल्ला बिल्कुल सही उत्कर्ष तनवी सा, साहिबा आलिया बिल्कुल सही बेटा रोजी बहुत सही, बहुत सही बहुत सही कितना होगा दो ग्राम क्यों क्योंकि मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड डिपेंड नहीं करता है गजब गजब बच्चों गजब अब तुम्हारा कहना होगा कि सर साथ साथ में सीएचडी भी देते जाओ साथ साथ में सीएचडी भी देते जाओ है ना तो मैं साथ साथ में आपको सीएसडी भी लिखता जा रहा हूं जैसे आपको पता रहे कि आपको रिवाइज क्या करना है तो आज का सीएचडी नंबर टू कल सीएचडी नंबर वन हुआ था आज टू सी एच डी नंबर टू का पहला स्टेटमेंट मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इट मींस क्या हुआ मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड यदि आप सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हो तो यह एक पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान रखना है क्लियर सब बच्चों का क्लियर है यस yes. अब तुम जिद कर रहे कि सर एक क्वेश्चन और दीजिए सर प्लीज़ एक क्वेश्चन और दीजिए तो देखो ये एक क्वेश्चन है सारे बच्चों को दिया जा रहा है सभी बच्चों को मैं क्विज के फॉर्म में दे रहा हूं और इसका आंसर आप लोग बताएं सारे बच्चे इसका आंसर बताए टू ट्वेल्व ग्राम सोडियम कन्वर्टेड इनटू बताओ भाई मास ऑफ सब्सटेंस फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ सब्सटेंस फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है देखो आराम से क्वेश्चन किया करो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर भी 96 परसेंट बच्चे सही दे रहे हैं इसका मतलब बदमाश बच्चे कितने हैं मतलब आपको मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि मास ऑफ सब्सटेंस फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता तो यदि 12 ग्राम सोडियम सॉलिड है वेपर है 12 ग्राम सोडियम सॉलिड वेपर है और उसको तुमने उसको तुमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें सोडियम वेपर में सोडियम सॉलिड को सोडियम वेपर में कन्वर्ट कर दिया है तो जब फिजिकल स्टेट चेंज हुई है तो फिजिकल स्टेट चेंज होने से मास में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो बारह पहले था तो अभी भी कितना होगा बारह ही होगा ना तो ये दो परसेंट बच्चे या तीन परसेंट बच्चे कौन से हैं जो यार ए आंसर या सी आंसर लिख रहे हैं ऐसे कौन से बच्चे हैं या तो वो तुक्का मार रहे हैं, या वो जल्दी जल्दी में कोई भी टिक कर दे रहे हैं इस बात पे किसको कंफ्यूजन है बताइए जिस बच्चे का डाउट हो वो लिखे कि सर मेरा ये डाउट था भाई मेरा मतलब है कि यार जो बातें बार बार बोली जा रही हो वो सिंपल है कम से कम उस पर तो गड़बड़ ना करो तब बात पे गड़बड़ करते हो तो मुझे समझ में आता है मगर ये 96 सिक्स परसेंट क्यों है मेरे हिसाब से तो यार नाइनटी नाइन परसेंट नंड्रेड परसेंट होना चाहिए कि जब कहा गया है कि मास फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है तो साफ साफ वो क्या कर रहा है सॉलिड से वेपर में जा रहा है अब जब सॉलिड से वेपर में जा रहा है तो मास चेंज ही नहीं होगा क्योंकि फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है क्लियर है कि नहीं हां बेटा तुम्हें सीएसडी के नोट्स बनाने हैं और उनको याद भी रखना है अच्छे से रिवाइज भी करना है क्लियर है सबको सबको क्लियर है अच्छा अब दूसरा पॉइंट आ जाओ नंबर ऑफ मालिक्यूल नंबर ऑफ मालिक्यूल फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करते हैं कि नहीं नंबर ऑफ मालिक्यूल फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करते हैं कि नहीं नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मालिक्यूल जैसे दो आप लोगों ने डाल्टन की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें क्या गया है एटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय ओनली है ना कंबिनेशन ऑफ एटम विल चेंज तो आइटम तो तो ना बिगड़ेगा ना बनेगा मालिक्यूल ना बिगड़ेगा ना बनेगा तो फिर क्या है तो आइटम तो जब बिगड़ेगा बनेगा नहीं तो इसका मतलब दो मालिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे तो भी दो ही रहेंगे सॉलिड फेज में जाएंगे तो भी दो रहेंगे यदि मैंने पांच सौ मालिक्यूल का पानी लिया है पांच सौ मालिक्यूल का पानी लिया है अब उसको वेपराइज कर दें तो भी वो पांच सौ मालिक्यूल रहेंगे और उसको या तो या उसको मैं फ्रीज कर दूं तो भी वो 500 सौ मालिक्यूल रहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मालिक्यूल नंबर ऑफ एटम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते क्यों क्योंकि डाल्टन भैया ने कहा था एटम ना इधर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय तो हम लिख दें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स और एटम डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट क्या ये बात सही है बताओ क्या ये बात सही है सारे बच्चे बताएं इसका मतलब क्या है इसका मतलब जो हमारा मोल है वो गैस फेज में भी वही रहेगा क्योंकि मोल एक नंबर है वो लिक्विड फेज में भी वही रहेगा क्यों क्योंकि सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हो आप कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हो आप सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हो ये देखो तो किसी भी तरह का नंबर किसी भी तरह का नंबर जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा ये कि देखो क्लियर है बच्चों क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको अच्छा मिक्सचर के बारे में बेटा लिख दूंगा सी में टेंशन न लो क्या ये पॉइंट क्लियर है यस yes. तो यदि क्लियर है तो इस पर एक क्वेश्चन मुझे बताओ टेन की पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इंटू लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मैनी मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड ए टेन की पावर ट्वेंटी थ्री बी ठीक है ग्रेटर देन टेन की पावर ट्वेंटी थ्री सी लेस देन टेन की पावर ट्वेंटी थ्री बताओ भाई आंसर दो सब लोग बच्चा कह रहा है सर पोल कर दो पोल करेंगे मगर किसका करना है मुझे पता है आंसर दीजिए तब तक मैं गुट पानी पीता हूं क्या सारे बच्चों को यह बात समझ में आ रही है यस yes. देखो यार बच्चों हम लोगों को 720 में से 720 के लिए काम करना है तो चीजों को समझना है रिफ्लेक्ट करना है हर बच्चे को आंसर देना है चाहे सही हो या गलत यस वेरी गुड तो देखो आपने किया क्या है आपने गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट किया है क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुई नहीं क्या और कुछ हुआ नहीं सिर्फ फेज चेंज हुआ है यदि फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जितने नंबर पहले थे उतने ही नंबर अभी भी होंगे जितने नंबर पहले थे उतने ही नंबर अभी भी होंगे यस 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 और भाई इस बार मैं मारूंगा समझ लेना यदि ये, ये 96 परसेंट नाइनटी परसेंट आया 100 परसेंट आना चाहिए जो क्वेश्चन दे रहा हूं सबसे पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे फिर अपनी दिमाग की बत्ती जलाओगे फिर टिक करोगे जल्दी टिक करने की कोशिश कोई मत कर देना नहीं तो समझ लियो है ना कैमरे में घुस के मारने वाला ऑप्शन बहुत जल्दी मुझे लाना पड़ेगा तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन लिखने जा देने जा रहा हूं वो सारे बच्चे अच्छे से समझे और बताएं ओए भाई यही क्वेश्चन आ गया ये मैं पहले भी बना चुका हूं मैं क्विज बना रहा हूं मैं क्विज बना रहा हूं मैं क्विज बना, बना रहा हूं पहले क्विज को सही कर दूं यहां पे थोड़ा ऑप्शन में गलती है हम्म चलो बताओ सारे बच्चे बताएं अब आंसर दीजिए अब आंसर दो अब आंसर दो हे भाई आंसर दीजिए भाई मैं सही बताऊ मुझे आना पड़ेगा मारने के लिए यार ऐसे काम बन नहीं रहा है ऐसे काम बन नहीं रहा है बच्चे जो है जल्दी में गलत आंसर टिक कर रहे हैं मैं कितनी बार बोल रहा हूं जल्दी मत करो इस बार परसेंटेज 95.5 है <laughs> अरे निकम्बो यहां कितने लिखे हैं 100 मालिक्यूल 100 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ए कंटेनर इफ सीओ टू गैस कन्वर्टेड इन लिक्विड सीओ उ मैनी मालिक्यूल ऑफ सीओ टू इन लिक्विड गैस को लिक्विड किया गया है तो जब गैस को लिक्विड किया गया है तो बताओ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है और कुछ हुआ है नहीं तो जब और कुछ नहीं हुआ है तो मालिक्यूल के नंबर सेम होंगे और मालिक्यूल के नंबर सेम होंगे तो यहां सौ लिखे हैं तो सौ आंसर आएगा ना ये कैसे आंसर आएगा इसमें तीन परसेंट बच्चों ने यह आंसर दे दिया नाइनटी सिक्स या 97 परसेंट बच्चे ये दे रहे हैं ये तीन परसेंट कौन है जिन्होंने ए सी आंसर दिया डी का तो मुझे समझ में आता है क्योंकि बी और डी आंसर सेम लिखे थे सर पोल रॉन्ग है रॉन्ग पोल हुआ है अच्छा रॉन्ग पोल की वजह से चलो अब इस बार देखता हूं कि पूरे हंड्रेड परसेंट आते हैं कि नहीं और इस बार किसी ने गलती की तो भाई बहुत मारूंगा आंसर देना है देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ठीक है आप बताइएगा सब लोग आंसर ठीक देखिए अच्छे सुनिएगा हम्म सेवन इंटू टेन की पावर ट्वेंटी वन एटम ऑफ हीलियम गैस ठीक है At 300 kelvin temperature present in 10 liter container. Oh, भाई 100% आना चाहिए नहीं तो बहुत मारूंगा इस बार complete Number of helium atom in solid helium where if temperature decreases three hundred Kelvin to minus three hundred Kelvin. सेवन इंटू टेन की पावर ट्वेंटी वन बी ग्रेटर देन सेवन इंटू टेन की पावर ट्वेंटी वन अभी आप क्वेश्चन पढ़ो मैं अभी क्यूज क्यूज बनाऊंगा तब आप क्यूज में आंसर टिक करिएगा ठीक है जब मैं क्विज बनाऊंगा तब आंसर टिक करिएगा हम्म ये क्वेश्चन है अब मैं क्विज बना रहा हूं क्विज में आंसर टिक करो। और भाई गलत मत टिक करियो। बताओ बताइए क्या आंसर आएगा 7 into 10 की पावर ट्वेंटी वन एटम ऑफ हिलियम गैस एट थ्री हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर प्रेजेंट इन टेन लीटर कंटेनर कैलकुलेट द नंबर ऑफ हिलियम हिलियम एटम इन सॉलिड हिलियम इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजेज माइनस थ्री थ्री हंड्रेड टू माइनस थ्री हंड्रेड कैलविन बताओ ओए भाई हमें लग रहा पोल में ही गड़बड़ा है या तो पोल में गड़बड़ है या तुम लोगों के दिमाग में गड़बड़ा है अब भाई तुम लोगों का ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है बताओ भाई अब जो है ना इसका परसेंटेज 92 टू हो गया है <laughs> इसका मतलब समझ रहे हो इन बच्चों को का कुछ नहीं हो सकता है इनका कुछ नहीं हो सकता जो दो परसेंट बच्चे या तीन परसेंट बच्चे है ऐसे है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग पे आते हैं देखो एक बात समझ में आ गई मास और नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं मास और नंबर फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है तो चलो यार जरा इसको और लिख लेते अपने सीएसडी में देखो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है इसका मतलब जितने मोल गैस के थे उतने ही मोल उसके सॉलिड फेज में होंगे उतने ही मोल उसके लिक्विड फेज में होंगे या उतने ही नंबर उसके सॉलिड फेज में होंगे क्यों क्योंकि आपने सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया है सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज किया है क्लियर क्लियर अब हम लोग आ जाते हैं इस पे अब आ जाते हैं इस पे ओके अब आप इधर आ जाओ वैल्यूम ऑफ सब्सटेंस अब बात करते हैं वैल्यूम की यदि आपको गैस का नेचर पता है गैस का क्या नेचर होता है सॉलिड का क्या नेचर होता है और लिक्विड का क्या होता है देखो जो सॉलिड होता है वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करता है ऐसे जैसे मैं सॉलिड हूं तो बस मैं हिल सकता हूं ऐसे या फिर ऐसे बस मूव नहीं कर सकता हिल सकता हूं ऐसे या तो ऐसे या ऐसे यदि मैं क्या हूं यदि मैं क्या हूं सॉलिड क्लियर अच्छा यदि मैं लिक्विड हूं तो लिक्विड क्या है लिक्विड जो है मूव कर सकता है मगर लिक्विड जो है मूव कर सकता है मगर फ्री मूव नहीं कर सकता है वो सिर्फ सरफेस पे मूव कर सकता है ऐसे सरफेस पे ऐसे सरफेस पे जैसे मैं सरफेस पे मूव कर रहा हूं यदि मैं लिक्विड हूं तो मगर यदि मैं गैस हूं तो मैं थ्री डायमेंशनल मूव कर सकता हूं मतलब मैं ऐसे भी मूव कर सकता हूं मैं ऊपर भी मूव कर सकता हूं दाए भी मूव कर सकता हूं बाय भी मूव कर सकता हूं तो आप लोग इसीलिए कहते हो कि जो हमारा सॉलिड होता है उसका वैल्यूम फिक्स होता है जो हमारा लिक्विड है उसका भी वैल्यूम फिक्स होता है मगर जो गैस है जिस कंटेनर में रखी जाती है उसी कंटेनर के बराबर वैल्यूम ऑकुपाई कर लेती है क्यों क्योंकि वो उस कंटेनर में हर जगह जा सकती है हर जगह जाती है वो उस कंटेनर में कितनी है हर जगह जाती है कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ना जाती हो इसीलिए गैस के लिए कहा जाता है कि जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का वैल्यू मकूपाई कर लेता है और इसीलिए आप जब डीओ डालते हो तो यार डालते आप हो मगर स्मेल किसी और को आ रही होती है ऐसा क्यों ऐसा क्यों पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों ऐसा क्यों क्योंकि गैस के मालिक्यूल उस कंटेनर में पूरी जगह पे फैल जाएंगे इसका मतलब वैल्यूम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है वैल्यूम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है है कि नहीं वैल्यूम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है तो कैसे करता है डिपेंड करता है तो कैसे करता है तो आपको पता है कि गैस का वैल्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है क्यों क्योंकि वो जिस कंटेनर में रखी जाती है उसी कंटेनर में फैल जाती है यदि मैं एक मोल गौर सुनना यदि मैं एक मोल कार्बन एक मोल वाटर को सॉलिड फॉर्म में रखता हूं तो इतना सा दिखेगा लिक्विड फॉर्म में रखा हूं तो भी इतना दिखेगा यदि उसको वेपर फॉर्म में रखूंगा तो पूरे कमरे में फैल जाएगा पूरे कमरे में फैल जाएगा तो गैस का वैल्यूम सबसे ज्यादा होता है फिर किसका होता है लिक्विड का फिर किसका होता है सॉलिड तो का तो सॉलिड का वैल्यूम सबसे कम होता है और ये क्या है, है. जर्नली ऐसा होता है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा होगा जर्नली ऐसा होता है कि जो गैस का वैल्यूम होता है वो लिक्विड से ज्यादा लिक्विड का जो वैल्यूम होता है वो सॉलिड से ज्यादा लिक्विड का जो वैल्यूम होता है वो सॉलिड से ज्यादा जनरली ऐसा होता है तो इसका मतलब वैल्यूम ऑफ सबस्ट्स डिपेंड अपॉन वैल्यूम ऑफ सबस्टा डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ये इस बात को जरा समझ गए इस बात को समझ गए यस वेरी गुड वेरी गुड तो अब यहां पर एक टर्म यूज हुआ है जर्नली इसका क्या मतलब है ऑलवेज क्यों नहीं तो यार कुछ ऐसे मालिक्यूल हैं जिनका सॉलिड में वैल्यूम लिक्विड से ज्यादा होता है कौन है अभी बताऊंगा कौन है अभी बताऊंगा ठीक है नोट में इसलिए ये जगह छोड़ रहा हूं मैं पहले मैं इस पर अभी बता देता हूं कि यह कैसे काम करता है इसका मतलब यदि मैं कहूं गौर सुनिएगा 10 एम एल वाटर है 10 एम एल वाटर लिक्विड है इसको मैंने बच्चों कन्वर्ट कर दिया है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है वाटर वेपर में तो अब बताओ वैल्यूम ऑफ वाटर वेपर कितना होगा वैल्यूम ऑफ वाटर वेपर कितना होगा ग्रेटर देन टेन एम होगा पहला या लेस देन टेन एम होगा बताइए वैल्यूम ऑफ वाटर वेपर ग्रेटर देन टेन एम होगा या लेस देन टेन एम होगा बोलिए तो आप किस फेज में गए हो लिक्विड से वेपर में जा रहे हो मतलब गैस में जा रहे हो तो लिक्विड से वेपर में जा रहे हो मतलब गैस में जा रहे हो तो वैल्यूम बढ़ेगा ये देखो वैल्यूम क्या है बढ़ेगा इसका मतलब वैल्यूम जो होगा दस एम से ज्यादा हो जाएगा यस 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 क्यों क्योंकि जो कन्वर्जन है वो लिक्विड से वेपर का है किसका है लिक्विड से व्यापर का है तो आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो और यदि लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो गैस का वैल्यूम क्या होता है ज्यादा होता है यस 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा जब इतनी बात हो गई है तो अब मैंने कहा था ना तो एक केस बताता हूं इसको ध्यान रखिएगा आप लोगों को एक केस बताता हूं इसको ध्यान रखो जो ये वाटर होता है वाटर लिक्विड का जो वैल्यूम होता है वाटर लिक्विड का जो वैल्यूम होता है वो कम होता है वाटर सॉलिड से ऐसा क्यों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये देखो ऐसा क्यों होता है जरा समझो सब बच्चे जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है सबको पता है सबको पता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है यदि किसी मालिक्यूल के पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर करेगा फिर से समझो एफ ओ एन यदि कोई मालिक्यूल है जिसके पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर करेगा तो वाटर के पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कैसे करता है जरा देखो ऐसे इस तरह से एक कैसे करता है ऐसे इस तरह से दो कैसे करता है ऐसे इस तरह से तीन कैसे सॉरी ये गलत बन गया इस तरह से कैसे करता है इस तरह से एक वाटर से चार वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं एक दो तीन चार इस तरह से एक वाटर से चार वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और करते कैसे हैं इस तरह से मगर ये कैसा है ओपन लाइक स्ट्रक्चर है मतलब किसी भी तरह की कोई कैविटी नहीं बनती है नो कैविटी फॉर्म किसी भी तरह की कोई कैविटी नहीं बनती कैविटी का मतलब क्लोज स्ट्रक्चर कैविटी का मतलब क्लोज स्ट्रक्चर जो चारों तरफ से क्लोज हो ऐसा कुछ नहीं होता है जब वाटर कहां पे होता है लिक्विड स्टेट में होता है जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है ऐसे है। मगर जब यही वाटर सॉलिड स्टेट में जाता है जब यही वाटर सॉलिड स्टेट में जाता है तो जरा देखो कैसे हो जाता है सॉलिड स्टेट में वाटर इस तरह से हो जाता है गौर से देखिएगा सॉलिड स्टेट में वाटर कुछ इस तरह से हो जाता है ध्यान दीजिए ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब ये देखो बच्चों इस तरह से अब यहां पर आप चेक करो ये कैविटी आ गई मतलब क्लोज स्ट्रक्चर आ गया ये देखो पूरी गिर गई सॉलिड स्टेट में तो ये जो कैविटी बनती है इसमें क्या होता है एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है एयर ट्रैप्ड जिसकी वजह से वो एक्सपेंशन कर जाता है क्यों एयर भर जाती है उस जगह उस जगह क्या हो जाती है एयर भर जाती है तो जब वो सॉलिड स्टेट पे जाता है तो ये कैविटी फॉर्म करता है कैविटी फॉर्म करता है सॉलिड स्टेट पे कैविटी फॉर्म करता है और उस कैविटी कैविटी मतलब क्लोज स्ट्रक्चर उसमें क्या होता है एयर ट्रैप हो जाती है और एयर ट्राइप हो गई तो यार एयर क्या है मैटर है तो वो अपना वैल्यूम लेगी एयर क्या है मैटर है तो अभी सिर्फ वैल्यूम किसका था लिक्विड का अब क्या हो गया एयर प्लस लिक्विड का वैल्यूम हो गया एयर प्लस लिक्विड का वैल्यूम हो गया तो वैल्यूम बढ़ गया वैल्यूम बढ़ गया।, गया इसी वजह से इसी वजह से आप देखो आप पानी की ट्रे लगाते हो फ्रिज में तो पानी की जब ट्रे लगाई जाती है तो पानी बिल्कुल लेबल पे रहता है मगर जब बर्फ बन के निकलती है आइस बन के निकलती है तो वो उससे थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है ऐसा क्यों ऐसा इसीलिए कि पहले ये सिचुएशन थी अब ये सिचुएशन आ गई है तो इसी वजह से आप पानी की ट्रे जो लगाओगे फ्रिज में उसमें पानी थोड़ा कम रखा करो नहीं तो जो बर्फ बन के आएगी आइस बन के आएगी वो थोड़ी और ऊपर उठी हुई आएगी जो भी पानी का लेवल लोगे उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आएगा जब आइस बनेगा जब आइस बनेगा तो क्या यह बात समझ गए कि ये जो मैंने टर्म लिखा है ये जर्नली है दो तीन केसों में ऐसा नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में वेरिएशन होता है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट केस ये वाला है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट केस वाटर का है क्लियर है सबको ऐसा क्यों होता है क्योंकि लिक्विड वाटर में किसी भी तरह का कोश नोज स्ट्रक्चर नहीं बनता कैविटी नहीं बनती है मगर सॉलिड में क्या होता है जब वाटर सॉलिड फॉर्म में जाता है तो कैविटी बन जाती है जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है तो यहां पर क्या था सिर्फ लिक्विड का वैल्यूम था अब यहां पर क्या है लिक्विड प्लस एयर का वैल्यूम है तो भाई लिक्विड प्लस एयर का वैल्यूम है तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जगह ज्यादा घेरेगा क्यों क्योंकि अब एयर भी है भाई ज्यादा जगह घेरेगा क्योंकि दोनों मैटर है आपने अभी मैटर की डिफिनीशन बताई है कि मैटर वैल्यूम ऑकुपाई करता है तो अभी तक वाटर था अब वाटर के साथ एयर भी वैल्यू मॉकुपाई करेगा तो जब दो चीजें वैल्यूम ऑकुपाई करेंगी तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा सॉलिड में वैल्यूम ज्यादा हो जाएगा यहां पर क्या है सिर्फ लिक्विड वैल्यू मॉक्यूपाई कर रहा है एयर कोई ट्रैप थोड़ी हो रही है वो स्किप हो जा रही है यहां पर एयर ट्रैप हो जा रही है पकड़ ली जा रही है क्लियर है ये बात यस yes, बात क्लियर है तो इसी वजह से ऐसा कहा जाता है इसी वजह से ऐसा कहा जाता है अब आपका मन कर रहा है कि सर मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये लो इस क्वेश्चन का जवाब दो आपका मन कर रहा है कि सर मैं क्वेश्चन करूंगा तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे मैं आपके लिए क्विज बना देता हूं मैं आपके लिए क्विज बना देता हूं मैं भी पढ़ लू जरा ग्राम क्विडाई फाइव हंड्रेड एम एल वैल्यूम इफ होल वाटर कन्वर्टेड इन टू गैस फेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अच्छा किस पे जा रहे हैं लिक्विड से गैस वैल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज इज ग्रेटर देन इतना अच्छा वैल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन इतना ओके okay. बताओ भाई सारे बच्चे आंसर बताएं हम लिक्विड से गैस में जा रहे हैं और वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। लिक्विड से गैस में जा रहे हैं बताइए यस बताओ बताइए सारे लोग। भाई मैं डिप्रेशन में आऊं इससे अच्छा है कि मैं क्विज ना कराऊं है ना डिप्रेशन में बच्चे ही नहीं आते टीचर भी आ जाते हैं है ना तो इसलिए मैं अब कुछ नहीं कराऊंगा यहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा नहीं तो जो दो चार दिन में मैं ना डिप्रेशन में आ जाऊंगा अपने कपड़े अपने फाड़ लूंगा बाल नोच लूंगा ठीक है ना तो मैं अब डिप्रेशन में नहीं आना चाहता तो मैं अब कुछ नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें दिखाता है परसेंटेज उसमें दिखाता है परसेंटेज परसेंटेज दिखाता है तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा ठीक है ना पता चला कपड़े अपने फाड़ लिए तो इसलिए इधर ही देखते हैं अब मुन्ना जरा तुम इधर देखो नहीं तो भाई मेरा पारा जो है ना गर्म हो जाएगा आ? वैसे मैं कभी गुस्सा नहीं करता मगर फिर क्या है कि दिक्कत आ जाएगी मुझे इसलिए अब देखो नाइन ग्राम वाटर लिक्विड अक्युपाइड फाइव हंड्रेड एम एल इफ होल वाटर कन्वर्टेड इनटू गैस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आप बताओ आप कहां से कहां जा रहे हो लिक्विड से गैस जा रहे हो कहां से कहां जा रहे हो लिक्विड से गैस जा रहे हो तो जब लिक्विड से गैस जाओगे तो वैल्यूम क्या होगा वैल्यूम क्या होगा बढ़ जाएगा ऐसे मास क्या होगा मास सेम रहेगा क्यों क्योंकि मास फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है मगर ऑप्शन वैल्यूम के फॉर्म में दिए गए वैल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज यार वैल्यूम तो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है ना ये चिल्ला के आए तो है हम लोग ये देखो तो गैस का वैल्यूम ज्यादा होता है तो वैल्यूम ऑफ गैस फेज गैस फेज में जो वैल्यूम होगा वो 500 सौ से ज्यादा होगा 500 सौ से ज्यादा होगा वो तो मास को लिखता तो मास नाइन का नाइन रहता मगर वैल्यूम 500 सौ से ज्यादा आएगा मुन्ना क्लियर है सबको क्लियर है अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि इसको सी पे भी लिख दो किधर है भाई सी हम लोगों का ये अब सी पे लिख देते इस बात को तो क्या आया देखो वैल्यूम ऑफ सफ्ट डिपेंड अपॉन आप लोग बताते जाओ वही लिखूंगा बोल के बताओ सब लोग वैल्यूम ऑफ सब्सटांस डिपेंड अपॉन बोलो बोलो फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ अरे भाई बोलो ना मैटर ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करेगा गैस का सबसे ज्यादा फिर लिक्विड का फिर सॉलिड का है ना कौन सा केस हमें याद रखना है हमें वाटर वाला याद रखना है ठीक है कि वाटर लिक्विड का कम होता है वाटर सॉलिड से और क्यों वो मैंने सारी बात बता दी है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग शॉर्टकट में लिखा जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैविटी बन जाती है और कैविटी की वजह से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटी अच्छा क्लियर है सबको यह बात यह बात क्लियर है यस 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 चलो अब यार कहानी को और बढ़ाते हैं कहानी को और बढ़ाते हैं बढ़ा लो भाई कहानी इसके बारे में बताओ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ये फिजिकल स्टेट पे इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी तो देखो बच्चों डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाई वैल्यू डेंसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है डेंसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है इसमें से यह फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है मास फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है मगर वैल्यूम फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है अभी आपने किया है अभी आपने किया है अब बताओ जब ये चेंज होगा तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये फिजिकल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है और जब ये फिजिकल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी और जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो इसकी भी चेंज होगी क्योंकि इसकी वैल्यू जो है इस पर डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू इस पर भी डिपेंड कर रही है ये नहीं चेंज हो रहा है ये चेंज हो रहा है तो अपने आप ये चेंज होगा होगा या नहीं बताओ सही है सही है कि नहीं इसका मतलब डेंसिटी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगी करेगी कि नहीं तो इसका मतलब ये हुआ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर मैटर के फिजिकल स्टेट पर डेंसिटी डिपेंड करेगी डेंसिटी जो होगी वो मैटर के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगी ठीक है ना देख लो अब कैसे करेगी तो देखो डेंसिटी और वैल्यूम में कैसा रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी और वैल्यूम में कैसा रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये तो कॉन्स्टेंट है ना ये तो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इसका मतलब यदि ये, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब आपने अभी बताया आपने अभी बताया कि वैल्यूम का ऑर्डर क्या है वैल्यूम का ऑर्डर क्या है गैस लिक्विड सॉलिड तो बताओ डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा वैल्यूम सबसे ज्यादा तो डेंसिटी सबसे कम वैल्यूम सबसे कम डेंसिटी सबसे ज्यादा तो इसका मतलब डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा डेंसिटी ऑफ गैस सबसे वैल्यूम सबसे ज्यादा डेंसिटी सबसे कम वैल्यूम सबसे कम डेंसिटी सबसे ज्यादा यस जस्ट अपोजिट क्लियर है कि नहीं यस जस्ट अपोजिट क्यों क्योंकि ये बात है यहां पर भी नोट लगेगा वाटर के केस में यहां पर भी नोट लगेगा वाटर आइज की डेंसिटी जो होगी वो वाटर लिक्विड से कम होगी क्यों क्योंकि वैल्यूम का रिलेशन उल्टा है क्योंकि वैल्यूम का रिलेशन उल्टा है इसका रीजन क्या है क्योंकि वैल्यूम ऑफ आइज बड़ा होता है वैल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड से तो वैल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम तो ध्यान रखना जो आपकी बर्फ है मतलब आइस है उसकी डेंसिटी कम होती है और जो पानी लिक्विड पानी है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसके पीछे रीजन ये है तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी तो एक बात और समझ में आ गई कि यदि फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो डेंसिटी चेंज हो रही होगी यदि फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो डेंसिटी चेंज हो रही होगी क्लियर है ये बात भाई बताओ क्लियर है या नहीं चलो यदि ये बातें क्लियर हैं तो इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं है ना कर लोगे सब लोग कर लोगे चलो इस पर क्वेश्चन दो इस क्वेश्चन का जवाब दो सारे लोग यस डी सॉलिड इस क्वेश्चन का जवाब दो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज वेन सफ्ट चेंज इिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट चेंज होने पर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो देखो मास नंबर यह तो चेंज नहीं होते चेंज क्या क्या होता है वैल्यून डेंसिटी ये फिजिकल स्टेट चेंज होने पर चेंज होते हैं तो देख लो मास चेंज होगा नहीं नंबर ऑफ मालिक्यूल नंबर ऑफ एटम चेंज होंगे नहीं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज होगा होगा वैल्यूम ऑफ सब्सटेंस चेंज होगा होगा इसका मतलब आंसर क्या है सी डी आंसर क्या है और डी यस आंसर क्या है और डी वैल्यूम ऑफ सब्सटेंस चेंज होगा तो डेंसिटी सब्सटेंस चेंज होगा क्यों वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं क्लियर क्लियर है है हाँ। क्या जिद कर रहे हो क्या ओ भाई ओ भाई, भाई आस्था को देखो भाई साहिद को देखो संदीप को देखो ना भाई ना ये तो जिद करने लगे हाँ पांडे जी को भी जिद हो रही है खान को भी हो रही है हाँ, बस बस जिद करने लगे अब तो क्वेश्चन देना पड़ेगा मुझे अब तो मेरी मजबूरी फंस गई यार मैं क्या करूं नहीं नहीं भाई अब तो देना पड़ेगा यार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और भाई इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत बता दियो नहीं तो बहु मारे जाओगे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीज वेन फोर ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इन टू लिक्विड देखो हम कर क्या रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं अब इसमें से पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी इंक्रीज नहीं पूछ रहा है डिक्रीज पूछ रहा है और ना चेंज पूछ रहा है तो मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करता है तो ना तो ये इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा भाई मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है नहीं तो, ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा नंबर ऑफ मालिक्यूल फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करते तो ना तो इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे जब वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करते तो इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे इंक्रीज डिक्रीज का मतलब चेंज होता है अब ये दो बच्चे देखो ये भी डिपेंड करता है ये भी डिपेंड करता है मगर जब हम गैस से लिक्विड में जाएंगे तो वैल्यूम क्या होता है वैल्यूम गैस से लिक्विड में जाने पर क्या होता है डिक्रीज क्यों क्योंकि आप कहते हो गैस का वैल्यूम ज्यादा होता है लिक्विड का वैल्यूम कम होता है तो वैल्यूम आप गैस जो होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा तो आंसर बी सही है और यदि वैल्यूम डिक्रीज करेगा डेंसिटी तो इंक्रीज करेगी क्यों ये देखो यदि ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा तो वो पूछ रहा है कौन डिक्रीज करेगा यदि पूछता कौन चेंज होगा तो दो आंसर आते हैं दोनों चेंज होंगे मगर वो पूछ रहा है डिक्रीज कौन करेगा तो वैल्यूम यदि पूछता इंक्रीज कौन करेगा तो डेंसिटी और पूछता कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो दोनों बी और डी तो आंसर क्या है बी यस यस बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही यस yes. बहुत सही यदि सारी बातें क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स पे आग लगा दो यदि सारी बातें क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स पे आग लगा दो हाँ, एक बच्चे का मैंने अभी क्वेश्चन देखा डाउट सेशन में एक बच्चे ने बात बोली वैसे उसने ठीक सोचा है उसने कहा सर आप बताओ कि जब जब यहां एयर ट्रैप होगी तो यार मास भी तो बढ़ेगा तो आप कैसे कह रहे हो कि डेंसिटी कम हो जाएगी आप कैसे कह रहे हो कि डेंसिटी कम हो जाएगी तो देखो मांस के रिस्पेक्ट में वैल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है तो वैल्यूम का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है एक बच्चे का डाउट है कि सर जब इस कैव, कैविटी में एयर ट्रैप होगी जब इस कैविटी में एयर ट्रैप होगी तो एयर ट्रैप होने से मांस भी तो बढ़ गया भाई आपने क्या लिखा है वाटर प्लस एयर तो अब इसमें मास भी तो ऐड हो गया है एयर का तो आप कैसे कह रहे हो कि डेंसिटी आप कैसे कह रहे हो कि डेंसिटी में ये ऑर्डर आएगा तो मेन इफेक्ट किसका होता, का होता है वैल्यूम का होता है क्यों क्योंकि गैस का वैल्यूम लिक्विड के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है तो इंपैक्ट वैल्यूम का होता है इसी वजह से यह बात कह रहे है। ये बात कंफर्म है कि यदि एयर उस जगह रुक गई तो उस एयर का कोई ना कोई मास होगा तो इसका तो मास में भी फ्लक्चुएशन आया है मगर मास बढ़ा दो परसेंट और वैल्यूम बढ़ा पचास परसेंट तो इफेक्ट किसका आएगा वैल्यूम का आएगा है ना तो बात सही पूछी है किसी बच्चे ने मगर जिस बच्चे ने पूछी थी उसको आंसर समझ में आ गया जल्दी से यस लिखो जिस बच्चे ने यह बात पूछी थी उसको आंसर समझ में आ गया कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है यस शिवम बहुत सही बहुत सही चलो अब हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग पर अगली हेडिंग क्या है टेम्परेचर देखो टेम्परेचर के बारे में बताते हैं टेम्परेचर को हम लोग तीन यूनिट में मेजर करते हैं एक होता है सेंटीग्रेड, एक होता है कैलविन और एक होता है फारेनहाइट। सेंटीग्रेड, कैल्विन फारेनहाइट। जर्नली हमारा क्वेश्चन हमेशा कैल्विन में चलेगा आप ध्यान रखिएगा इस बात को मैं लिख दे रहा हूं ठीक है टेम्परेचर ऑलवेज इन कैल्बिन यूनिट आपको जब भी कहीं टेम्परेचर डालना है हमेशा कैल्बिन में डालना है ध्यान रखिएगा दिया किसी में भी हो सकता है मगर क्वेश्चन में आप हमेशा कैल्बिन में डालो क्योंकि जितने भी फार्मूले हैं जितनी भी थ्योरी है वो सब कैल्विन में, में मेजर करके बनाई गई है हाँ सेल्सियस सेंटीग्रेड नहीं सेल्सियस सॉरी बच्चा सही कह रहा है बच्चा कह रहा है सर सेंटीग्रेड आपने बोल दिया सेल्सियस सेल्सियस तो यूनिवर्सल जो हमारा पैरामीटर है वो कैलविन है तो हमेशा टेम्परेचर को कैलविन में रखिएगा अब बात आई इनके बीच में रिलेशन की तो आप सब बच्चे जानते हैं मैं लिख भी देता हूं मैं लिख भी देता हूं क्या कि देखो कैलविन इक्वल टू होता है दो वन प्लस सेंट्री सेल्सियस टेम्परेचर कैलविन इक्वल टू होता है दो प्लस सेल्सियस टेम्परेचर इसी को हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये लिख देते हैं सेल्सियस टेम्परेचर तो जब सेल्सियस से कैलविन बनाना हो तो दो जोड़ दो मतलब आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो टेम्परेचर इन कैलविन इक्वल टू दो प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऐसे ऐसे आप ये लिख सकते हो क्लियर है अच्छा अब दूसरा जरा समझो दूसरा यदि आपके पास फारेनहाइट में टेम्परेचर है टेम्परेचर इन फारेनहाइट इक्वल टू नाइन बाई फाइव इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस बत्तीस ये देखो ये रिलेशन है किसमें फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में तो हमें दो रिलेशन याद रखने हैं मेनली तो ये वाला याद रखना है मगर ये वाला भी आप याद रखो मान लो कहीं फंसाना चाहेगा तो हम इसको यूज कर पाएंगे क्लियर ये बात समझ पाए टेम्परेचर वाली अब इस बात को जरा चल के हम लोग सी में लिख देते हैं अपना सीएचडी किधर है हम्म अब देखो यहां तक हम लिख चुके थे तो हमने वैल्यूम की बात कर ली थी अब डेंसिटी की कर लेते हैं तो मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस Also depend upon physical state of matter. ये देखो। और कैसे करेगी? देखो। Density equal to है mass upon volume. इस वजह से हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस सबसे कम डेंसिटी ऑफ लिक्विड फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड और यहां पर नोट डाल के आप लिख दीजिए कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड और रीजन क्या है ये मैं अभी पीछे पढ़ा चुका हूं रीजन क्या है पीछे पढ़ा चुका हूं ये देखो ये रीजन है अब लास्ट एंड फाइनल सीएसडी का एक और पॉइंट नेक्स्ट नंबर का पॉइंट जो अभी मैंने बताया वो क्या टम्परेचर हमेशा ध्यान रखना क्या करना है टम्परेचर ऑलवेज पुट इन कैलविन टेम्परेचर को हमेशा कैल्विन में पुट करोगे ठीक है रिलेशन क्या होता है वो आपको बता देता हूं टेम्परेचर इन कैल्विन इक्वल टू दो सौ तिहत्तर प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सॉरी डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड नहीं और टेम्परेचर इन फारेनहाइट इक्वल टू नाइन बाई फाइव टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस दो सौ बत्तीस प्लस बत्तीस ये तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है मतलब ये बातें आपकी टंग में होनी चाहिए जो चीज सीएसडी में लिखी है वो बातें आपकी टंग में होनी चाहिए कि मतलब वो आपको हमेशा याद होना चाहिए जो बातें सीएसडी में लिखी है वो बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए ध्यान रखना जितनी भी बातें सी में लिखी है, वो सारी बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए सारी बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए और हर बार हर क्लास में बस एक पहरा मैं लिखाता हूं आप चेक करो कल भी लिखाया था आज भी बस इतना लिखा है आज ये सारा है अब चलते हैं आगे इतनी बात क्लियर है सबको अच्छा बच्चों ने कहा सर इतनी बात क्लियर है अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से आंसर बताइएगा जल्दी से आंसर बताइएगा सब लोग टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज फोर्टी डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस इन फॉरेनाइट स्केल ए आपको बताना है कितना आएगा सी डी बताओ भाई आपको फारेनहाइट में टेम्परेचर बताना है आपको फारेनहाइट में टेम्परेचर बताना है और सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है जल्दी सारे बच्चे बताएं, जल्दी सारे बच्चे टेम्परेचर बताएं, हां जल्दी सारे बच्चे टेम्परेचर बताएं भाई आंसर यस 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 अब देखो फॉरेनाइट टेम्परेचर इक्वल टू होता है नाइन बाई फाइव इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस बत्तीस तो नाइन बाई फाइव इंटू चालीस प्लस बत्तीस तो आठ पंच चालीस और बहत्तर इंटू बत्तीस तो दो दो कितना हो गया चार और ये कितना हो गया दस तो एक सौ चार आ रहा है क्या एक सौ चार कहीं आंसर है क्या एक सौ चार कहीं आंसर है नो no वाइज बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही क्या बात कर रहे हो एक बच्चा कह रहा आवाज नहीं आ रही है देखे जरा भाई मेरा माइक सही है आवाज तो आ रही है यस तो क्या कहीं आंसर है नहीं आप चेक कर लो कोई आंसर तो टेम्परेचर का कन्वर्जन भी आप बहुत अच्छे से याद रखें कि किस तरह से टेम्परेचर का कन्वर्जन करना है किस तरह से टेम्परेचर का कन्वर्जन करना है हां बिल्कुल क्वेश्चन देंगे अब सब लोग सारे बच्चे एक बात सुने जो मैं कहने जा रहा हूं आप सभी बच्चों से पहला पॉइंट मैं ये कहने जा रहा हूं क्योंकि अगली क्लास में ये पढ़ाएंगे यहां शुरू होगा ये नंबर ऑफ एटम इन वन मालिक्यूल है ना तो सारे बच्चे समझे आपको डीपीपी नंबर टू जो दी जाएगी वो नहीं लगानी है यदि टॉपिक सेम ना हो जैसे आपके पास डीपीपी आएंगी डीपीपी में ये टॉपिक सेम नहीं है क्यों क्योंकि हो 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 सकता 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 है 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 वो आगे चल चल रहे रहे हम पीछे या मैंने मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस अलग हो और डीपीपी के आने का सीक्वेंस कभी कभी अलग हो सकता है तो यदि वो सब टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है तो उसके क्वेश्चन अभी नहीं करोगे जब पढ़ा दूंगा तब करोगे ठीक है फिर से समझो यदि आपको कोई डीपीपी मिलती है और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अभी वो सब टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाए हैं तो जो सब टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाए हैं उनके क्वेश्चन अभी नहीं करोगे जब पढ़ा दिए जाए तब करना जैसे लौ, लास्ट में पढ़ाता हूं जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा और एनसीआरटी में सबसे पहले है। तो, DPP, के से बनी है, तो हो सकता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्वेश्चन आपको मिल जाए हो सकता है सिग्निफिकेंट के क्वेश्चन मिल जाए अभी सिग्निफिकेंट यू नहीं पढ़ाया वो भी सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि उन सबसे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं तो जिनसे ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं उनको मैं आराम से लास्ट में एक क्लास में पढ़ा देता हूं जैसे पढ़ भी जाए और आए तो बच्चा आराम से कर भी ले पहले सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ाई जाती है ठीक है ना तो यदि डीपीपी में आ जाए तो डीपीपी में वो छोड़ते जाइएगा और जब मैं पढ़ा दू तब कर लीजिएगा ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से जबरदस्ती कर लो और ऐसा नहीं <coughs> ये सोचो कि सर ने पढ़ाया नहीं है तो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे सारी बातें एक एक चीज पढ़ाई जाएगी क्लियर है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच बनेगा इसलिए जीजान लगा के पढ़ाई करो सब लोग जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा और सब कुछ पढ़ाएंगे एनसीआर भी इसमें करा देंगे आपको पीवाई भी सारे करा दूंगा जब चैप्टर खत्म होगा ना तो आप देखोगे सारी बातें करा दी पीवाईक्यू भी सारे करा दिए पिछले दस साल के एनसीआरटी के क्वेश्चन भी सारे करा दिए सारे सब टॉपिक करा दिए और सारे सब टॉपिक पे प्रैक्टिस भी करा दी खूब सारी बस आपका काम क्या है मेरे साथ मेहनत करते रहना मेरे साथ मेहनत करते रहना लगे रहना और पूरे में पूरे नंबर आएंगे इस बात की गारंटी दे रहा हूं जो कुछ पेपर में आएगा वो सब बोर्ड में पढ़ाया गया होगा इसकी गारंटी है अपनी मगर वो तुम कर पाओगे कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर होता है मैंने पढ़ाया समझाया सब कुछ किया मगर तुमने रिवीजन नहीं किया तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो ध्यान थोड़ी रहेगा ध्यान थोड़ी रहेगा ठीक है कि नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे और ध्यान रखना क्लास को रिवाइज करके आना क्यों कल फिर दो क्वेश्चन दिए जाएंगे पर डे क्लास में टेस्ट होगा दो क्वेश्चन का जैसे आज मैंने दो क्वेश्चन दिए तो आज जो पढ़ाया है जो आज पढ़ाया है उसका टेस्ट कल होगा आज जो पढ़ाया उसका टेस्ट कल क्यू एच है ना आज जो पढ़ाया है उसका टेस्ट कल होगा क्लियर है तो फिर मिलेंगे तब तक अपना ध्यान रखिएगा पढ़ाई करते रहिएगा और किसी बच्चे का को कोई डाउट हो आप पूछते रहे ठीक है बाय बाय मस्त चल रहा है सब कुछ यदि मस्त चल रहा है तो जल्दी से दिल और आग बरसा दो सब कुछ मस्त चल रहा है सही पढ़ाया है। समझ में आ रहा है सारा चीज समझ में आ रही है सारी चीजें सभी बच्चों को और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स तो थोड़ी सी टफ होती है मगर सारे बच्चे समझ जाते हैं बहुत आसान है टेंशन ना लो जब तक हमें सब आसान है बस आपको फॉलो करना है जान लगा के यस ओके बाय बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है बच्चों बाय